आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का ये मुकाबला चल रहा है गाइस, जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में आठवां मुकाबला है, ग्रुप ए का ये मैच है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर इस मुकाबले को कौन बाजी मारता है। तो यहाँ पर गाइस आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गाइस यहाँ पर 177 रन का टारगेट दिया है, और तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर गाइस जो है ऑस्ट्रेलिया ने गाइस 177 रन का टारगेट दिया है, और बांग्लादेश ने जो है 15 ओवर में जो है 98 रन बटोर लिया है यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी की जो है 5 ओवर में ना 79 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो देखना दिलचस्प होने वाला है इस मुकाबले में जो है कौन बाजी मारता है। तो यहाँ पर गए जो है ना बांग्लादेश ने जो है 15.1 ओवर में 100 रन बटोर लिया है यहाँ पर। और तो यहाँ पर गए जोरदार शॉट और टिप मिडविकेट और स्क्वायले की तरफ से चौका बटोर लिया गया है यहाँ पर। शानदार शॉट गए इस बल्लेबाज, किस प्रकार से इस पर इसी तरह से खेलना पड़ेगा अगर बांग्लादेश को जीतना है इस मैच, क्योंकि काफ़ी सारे रन है और अगर सिंगल डबल निकालेंगे तो इस मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेज़ी तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करना चाहिए बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ पर गए देखना दिलचस्प होने वाला है। तो यहाँ पर बाउंड्री बटोर लिया गया इस ओवर में, काफ़ी बेहतरीन ओवर इस ओवर में अभी तक काफ़ी अच्छा रन बटोर रहा है, बाउंड्री भी जड़ दिया है। तो यहाँ पर 6 रन इस ओवर में 2 गेंदों पर, और अभी भी 4 गेंद इस ओवर में बाकी है, और रिकवर रेट गाइस 15 के ऊपर यानी कि 16 के करीब चल रहा है। एक और सिक्स यहाँ पर, पिछले गेंद पर चौका, इस गेंद पर छक्का, भाई क्या शॉट है यार, जबरदस्त शॉट भाई। और इसी प्रकार से जो बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है, दो लगातार बाउंड्री बटोरने में कामयाब हुई बल्लेबाज। और यहाँ से देखते गए देख सकते हो जिस प्रकार से शॉट लिया, काबिल तारीफ, डीप मिडविकेट की तरफ 6 रन के लिए, फील्डर जरूर है लेकिन फील्डर के ऊपर से क्या निकल गई काफ़ी दूर जाके। तो देखते गए यहाँ पर क्या एक और बाउंड्री लगा पाएंगे, पटकी हुई गेंद है गई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, बाउंसर बॉल है, और इस शॉट को पुल शॉट के लिए गए बल्लेबाज, और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है यार, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 रन, 2 लगातार छक्के। तो गेंदबाज जो है ना थोड़ा सा लाइन लेंथ बिगाड़ दिया है, अभी जो है ये गेंद जो है ना थोड़ा सा जो है पटकी हुई गेंद और ये शॉट ज़बरदस्त शॉट गाइस देख सकते हो, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई और काफ़ी दूर जाके गेंद गिरी। एक और सिक्स लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़ दिया है, 98 मीटर का छक्का पिछले गेंद पर, और बहुत ही बेहतरीन ओवर इस ओवर में, काफ़ी अच्छा रन बटोर रहा है। अभी भी 2 गेंद बाकी है, इस बार फ्लिक शॉट है गैप पे, क्या नहीं यार एक ही रन मिल पाएगा इस बार। तो अभी भी जीतने के लिए 60 रन 60 रन की ज़रूरत है 25 गेंदों पर, वो भी तो इसी तरह से खेलना पड़ेगा, छक्का चौका लगाना बहुत ज़रूरी है अगर बांग्लादेश को इस मैच को जीतना है। और कि आखिरी गेंद देखते गए, आखिरी गेंद पर एक और सिक्स जी लीजिए भाई, इस बार कवर के ऊपर से ज़बरदस्त शॉट गाइज, दिल खुश हो गया शॉट को देख के, ज़बरदस्त भाई, मेरे को भाई ये शॉट जब भी भाई बल्ले के बीचों बीच लगती है तो मज़ा आ जाता है यार, देख सकते हो स्टेप आउट करके खेले ये शॉट और ये गेंद को काफ़ी दूर भेजा है 6 रन के लिए, काफ़ी शानदार ओवर भाई, इस ओवर को ख़त्म किया 6 रन के साथ, छक्के छक्के और चौके की बारिश करते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी इस ओवर में। तो यहाँ पर गए निगर सुल्ताना जो कप्तान है बांग्लादेश के, जो काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर कर रही है और इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीत। तो देखते गए यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारा रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को, और 177 रन का टारगेट है, लक्ष्य 177 का है, और अभी तक 123 रन बटोर लिया गया है 16 ओवर में, और इस ओवर की शुरुआत दुक्के के साथ 2 रन बटोर लिया जाएगा यहाँ पर, 54 रन अभी भी चाहिए ये 2 रन यहाँ पर, यानी कि 52 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो देखते गए यहाँ पर, यहाँ से गए जो है थोड़ा सा आक्रामक रूप अपनाना पड़ेगा, सामने की तरफ शॉट टाइमिंग नकास नहीं, लेकिन 1 रन सिंगल यहाँ पर बटोर लिया जाएगा। तो 2 रन इस ओवर में अभी तक, 2 गेंदों पर 2 सिंगल बटोर लिया है। अब यहाँ से गए जो इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है गए, अगली गेंद थोड़ा सा पटकी हुई गेंद है और इस वक्त गेंद को मिस किया, गेंद जाके गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेकिन यहाँ पर जो है अंपायर ने नो बॉल दे दिया, यानी कि फ्री हिट है भाई, फ्री हिट का मौका है। और देखते हैं गाइस जो बल्लेबाज है किस प्रकार से जो है फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं, अब अभी पता चल जाएगा। तो देखते गाइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है तेज़ गति के साथ में कप्तान स्ट्राइक पे निगर सुल्ताना 29 पे, और हवा में शॉट टाइमिंग खास नहीं, सीधा फील्डर के हाथों में, तो यहाँ पर आउट तो नहीं है क्योंकि नो बॉल है इसके वजह से। तो अब देख सकते गए यहाँ पर फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब रिक्वायर्ड रेट 15 के करीब है, थोड़ा सा तेज़ गति के साथ रन बटोरने की कोशिश होनी चाहिए, यहाँ से डीप विकेट की तरफ शॉट है, 2 की मांग होनी चाहिए, जी हाँ यहाँ पर 2 की मांग है, और 2 रन बटोर लिया जाएगा यहाँ पर, तेज़ गति के साथ भागते हुए यहाँ पर 2 रन बटोर लिया है, और अभी भी 2 गेंद बाकी है इस ओवर में,
और इसी तरह से खेलना की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीतना है। तो इस बार यॉर्कर लेंथ बॉल है, शॉट लिया है डीप विकेट के क्षेत्र में, एक और यहाँ पर सिंगल। तो यहाँ पर अभी भी जीतने के लिए चाहिए 48 रन, लास्ट बॉल है भाई, आखिरी गेंद, और देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या छक्का या चौका लगा पाएंगे बल्लेबाज जी। यहाँ पर उठा के लिया है शॉट और इस ओवर को ख़त्म किया 4 रन के साथ, ज़बरदस्त बल्लेबाजी भाई। यहाँ पर एक और बाउंड्री और इस ओवर को ख़त्म किया चौके के साथ ही, देख सकते हो गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति गाइस, यहाँ पर 17 ओवर का खेल ख़त्म, 133/5 बांग्लादेश। और बांग्लादेश को जो है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसी प्रकार से खेलने की दरकार है। देखते हैं भाई, यहाँ पर रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 15 के करीब ही चल रहा है। तो यॉर्कर लेंथ बॉल, बल्लेबाज सामने की तरफ शॉट लिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पे, तो 1 रन यहाँ पर बटोर लेंगे बल्लेबाज। तो देखते हैं यहाँ पर 17 गेंद, 43 रन की ज़रूरत है अभी भी। शॉट अच्छा है, इस बार 1 रन, 1 ही रन मिल पाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोशिश होनी चाहिए बाउंड्री निकालने के लिए, तेज़ गति के साथ खेलना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। सिंगल डबल अगर बटोरेंगे तो इस मैच को जीतना मुश्किल हो जाएगा यार बांग्लादेश के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो थोड़ा सा 1-2 विकेट यहाँ पर, 1 विकेट और अगर निकालते तो बेहतर होगा ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। तो देखते हैं गाइस कौन बाजी मारता है। इस ओवर के बाद 2 ओवर और बाकी है और इस मुकाबले को गाइस जो है बांग्लादेश के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश का खाता ही नहीं खुल पाया है। तो खाता खोलने के लिए भाई इस मैच को जो है जीतना काफ़ी ज़रूरी है। और देखते हैं भाई, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना खाता खोल लिया 2 पॉइंट के साथ, सेकंड नंबर पे पॉइंट टेबल पे सेकंड नंबर पे है। और तो देखते हैं गाइस यहाँ पर अगर इस मैच को बांग्लादेश को जीतना है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोशिश होनी चाहिए, थोड़ा सा तेज़ गति के साथ रन बटोरने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर आखिरी गेंद, शॉट लिया है और पीछे फील्डर है फाइन लेग की तरफ, 100 शॉट तो भाई बेहतर था लेकिन फील्डर के पास, सीधा फील्डर के पास। थोड़ा सा गैप ढूंढना पड़ेगा बांग्लादेश को जीतने के लिए। 18 ओवर का समाप्ति गाइज, 18 ओवर के बाद जो है ना 139/5, 18 ओवर के बाद। और अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ना तेज़ गति के साथ रन बटोरना चाहिए अब, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। यहाँ से फिर से हवा में शॉट फाइन लेग की तरफ, पीछे फील्डर है और यहाँ पर गए जबरदस्त कैच, क्या एफर्ट लगाया जो फील्डर है फाइन लेग की तरफ फील्डर, और ये कैच गए जबरदस्त है यार, मज़ा आ गया। डाइव लगा के जो है कैच पकड़ लिया है और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा क्योंकि आउट है, आउट कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ से गए थोड़ा सा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बांग्लादेश की टीम को, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है ना रन तो भाई चाहिए लेकिन विकेट नहीं गंवाना चाहिए यहाँ पर। तो ये कैच ऑफ द मैच है गाइस, और शॉट बहुत ही शानदार था लेकिन जो फील्डर भाई बाउंड्री लाइन पे क्या डाइव लगा के कैच वगैरह, बहुत ही शानदार एफर्ट लगाया और गेंद को जो है कैच कर लिया है। और यहाँ पर ओवर की इस ओवर की शुरुआत जो है ना विकेट के साथ है, तो इस बार शॉट लिया है और तुरंत जो है 2 रन के लिए भाग पड़े। कप्तान निगर सुल्ताना अभी भी क्रीज में मौजूद है, तो देखना दिलचस्प होने वाला भाई यहाँ से जो है किस प्रकार से। तो देखते हैं यहाँ से अगर इस मैच को जीतना है तो इसी तो भाई छक्का चौका तो लगाना ही पड़ेगा अब यहाँ से। इस ओवर में गई काफ़ी शानदार जो है गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा, और इसी प्रकार से अगर गेंदबाजी करते जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज तो बेहतर होगा टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। तो यहाँ पर बाउंड्री बटोर लिया इस बार, ज़ोरदार शॉट और ज़बरदस्त भाई यहाँ पर चौका बटोर लिया है यहाँ पर बल्लेबाज निगर सुल्ताना। चलिए गाइस यहाँ पर देखते हैं अब एक और बाउंड्री, जी नहीं इस बार दो दो की दो भागना चाहिए, हो जाता शायद 2 रन अगर भागते तो, लेकिन बल्लेबाज ने बस 1 ही रन की कोशिश की, 2 रन की कोशिश ही नहीं कर पाए, करना चाहिए था। अभी भी 31 रन चाहिए भाई 8 गेंद पर, और 2 गेंद बाकी है। एक और बाउंड्री यहाँ पर, एक और चौका बांग्लादेश के जो बल्लेबाज है, इसी तरह से खेलने की ज़रूरत है यहाँ से। देख सकते हो गाइस जोरदार शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, चौका बटोर लिया है गया है यहाँ पर। और यहाँ से गए जो है फहीमा खातून बल्लेबाजी काफ़ी शानदार, यहाँ पर एक और बाउंड्री है आखिरी गेंद पर भी चौका बटोर लिया है कवर के ऊपर से इस बार। और यहाँ पर गए जो है पिछले 2 गेंद पर बाउंड्री जड़ दिया है, तो इसी तरह से
खेलना बहुत ज़रूरी है अगर बांग्लादेश को इस मैच को जीतना है। देख सकते हो गाइस ये शॉट भी उतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की वाला शॉट था, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। छक्का चौका तो भाई चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, स्टेप आउट करके खेलते हुए यहाँ शॉट कवर के ऊपर से 4 रन बटोर लिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति गाइस अब काफ़ी शानदार ओवर बांग्लादेश के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही शानदार ओवर। अब रोमांचक T20 मुकाबला आखिरी ओवर में, और अब यहाँ से गए 19 ओवर का खेल खत्म हो गया, यानी कि एक ओवर और बाकी है यहाँ से। तो यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आई है एशली गार्डनर, और आखिरी ओवर में अगर इस मैच को जीतना है तो शॉट भाई खेलना पड़ेगा। 23 रन चाहिए ओवर की शुरुआत 6 रन के साथ। जबरदस्त शॉट गाइस, कवर के ऊपर से शॉट लिया है, कवर नहीं यार पॉइंट पॉइंट की तरफ से शॉट, और काफ़ी दूर गेंद को भेज दिया है दर्शक के पास। और ये कप्तान गाइस निगर सुल्ताना गाइस यहाँ पर बल्लेबाजी काफ़ी ज़बरदस्त, बेहतरीन में बल्लेबाजी, और इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है क्योंकि जीतना है ना, तो काफ़ी सारे रन चाहिए गाइस अभी भी। और 50 के करीब है निगर सुल्ताना कप्तान है, 17 रन अभी भी चाहिए, 5 गेंद नहीं, अब डॉट बॉल है, यानी कि अब 4 गेंद पर 17 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और इसी तरह से प्राय इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है अगर बांग्लादेश को जीतना है। यॉर्कर लेंथ बॉल है, इस ओवर की 3री गेंद, स्वीप शॉट और बहुत दूर गेंद, एक और सिक्स लीजिए, कमाल का शॉट है यार, दिल खुश हो गया शॉट को देख के, जिस प्रकार से शॉट लिया भाई मज़ा आ गया, जोरदार शॉट गया। और इसी के साथ 8 शतक भी पूरा कर लिया है अपना निगर सुल्ताना, ज़बरदस्त बल्लेबाजी निगर सुल्ताना के बैट से गाइस मतलब 8 शतक बटोर लिया गया है यहाँ पर, और मैच को जिताना पड़ेगा अब यहाँ से, मैच को जिताना है तो थोड़ा सा ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ पर 3 गेंद अभी भी बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 11 रन। इस बार सामने की तरफ शॉट है, पीछे फील्डर है, दो दो की कोशिश होनी चाहिए यहाँ पर, यस 2 रन के लिए भाग पड़े वाले, वो आज क्या पहुँच पाएंगे, यस 2 रन आसानी से बटोर लिया गया है यहाँ पर। 2 गेंद 9 रन की ज़रूरत है, यानी कि 2 बाउंड्री और चाहिए जीतने के लिए भाई, एक चौका एक छक्का लगाएंगे तभी भी जीत पाएंगे, नहीं तो 2 चौका भी लगाएंगे ना तो मैच सुपर ओवर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर सुपर ओवर नहीं भाई, यहाँ पर इस मैच को जीतने जीत सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 रन बटोर लिया गया यहाँ पर, ज़बरदस्त जो है बल्लेबाजी यहाँ पर देख सकते हो गए। ऑफ स्टंप की पावर गेंद, पीछे हट के थोड़ा सा रूम बनाते हुए कवर की तरफ से शॉट लिया और 1 और 6, और अब यहाँ से गए 3 रन की ज़रूरत है जीतने के लिए, जीत के लिए चाहिए 3 रन, 2 रन अगर बटोर लेते हैं तो यहाँ पर सुपर ओवर वगैरह भी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते गए यहाँ पर आखिरी गेंद है और यहाँ पर गए 9 बॉल है, और बल्लेबाज ने ना शॉट खेलने की कोशिश किया था तो बैट में गेंद आई नहीं, तो यहाँ पर गए 9 बॉल है, यानी कि अब एक और मौका है गए फ्री हिट है, और अब चाहिए बस 2 ही रन चाहिए, 2 रन की ज़रूरत है एक गेंद पर, 1 रन अगर 2 रन बटोरेंगे तो जीत सकते हैं, नहीं तो 6 बाउंड्री अगर लगाते हैं तो भी जीत सकते हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आखिरी गेंद पर 6 रन, और इसी के साथ बांग्लादेश ने इस मुकाबले को जीत लिया है काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कप्तान निगर सुल्ताना के द्वारा, ज़बरदस्त बैटिंग किया और इस मुकाबले को जिताया, देख सकते हो सामने की तरफ शॉट लिया है, और इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और बांग्लादेश को इस मुकाबले को जिताया कप्तान ने, और इस मैच को गाइस बांग्लादेश ने जीत लिया है 4 विकेट से। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेयर ऑफ द मैच निगर सुल्ताना काफ़ी, तो 28 गेंद पर 68 रन बटोर रहा था, इसकी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। तो यहाँ पर गए जो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी वीडियो को लाइक किया, थैंक यू सो मच।